तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बोर ऐप क्या है और इससे क्या काम कर सकते हैं, इससे फ़ायदे क्या हैं, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ए टू जेड डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। जैसे ही हम आप प्ले स्टोर पर आते हैं तो आप जैसे ही सर्च करेंगे आप बोर ऐप तो आपके सामने ये मिल जाता है। हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और ये रहा बोर ऐप का इंटरफेस। आपका ये कुछ लोडिंग ले रहा है, ये जैसा हो रहा है ना, ये आपका एक तरह का लोडिंग होता है। और कई लोगों फ़ोन कई व्हाट्सएप कई ऐप में लोडिंग लिख कर आ जाता है। चलिए दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पर आ चुके हैं। और आप जो सोच रहे थे कि ये ऐप एक तरह का वीडियो कॉलिंग चैट ऐप है जिसके मदद से आप किसी भी लड़की लड़का या किसी से भी बात कर सकते हैं, दरअसल ये ऐसा नहीं है। ये एक तरह का VPN ऐप है जिसको यूज़ करके आप प्राइवेटली ब्राउजिंग कर सकते हैं। यानी अगर आप इंडिया में रहते हैं तो कई सारे वेबसाइट बैन हैं, कई सारे वेबसाइट नहीं चलते इंडिया में, कई सारे ऐप नहीं चलते हैं, कई सारे गेम नहीं चलते हैं। और इसी तरह कई सारे ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, सोशल मीडिया ऐप हैं जो इंडिया में नहीं चलते हैं, जिनको यूज़ करने के लिए इस तरह का जो VPN है, VPN प्रॉक्सी ऐप है, उसको यूज़ कर सकते हैं। कई VPN प्रॉक्सी ऐप फ्री होते हैं और कई पेड होते हैं। तो ये जो ऐप है ये पेड नहीं है, फ्री है। बस आपको सिंपली यहाँ पर आएंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस मिल जाता है, आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। यहाँ से पूरा लिस्ट मिल जाएगा कितने आपके देश में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लमसम 10-12 देश हैं, आप जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे लंदन, जापान, सिंगापुर, एनीवन किसी भी कनेक्ट करना चाहते हैं, बस आप उस पर क्लिक करेंगे और इस तरह उनका नाम आ जाएगा। बस यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे, जो आपका कनेक्शन है वो हो जाएगा उस कंट्री में। चलिए मैं यहाँ से अभी दिखा देता हूँ, और अभी शायद ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल लिख चुका है। देन यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको स्पीड टेस्ट कर सकते हैं कि कितना स्पीड दे रहा है प्रति सेकेंड आपका। देन आपको यहाँ पर ओपन क्लिक ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक करके आप यहाँ से ऑप्टिमाइजिंग VPN सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ है नहीं, चलिए यहाँ से बैक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर और आपका क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर देखें, ये एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से आप ऐप को रेटिंग कर सकते हैं। देन आपको ऐप को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अबाउट देख सकते हैं इसका और इसका प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन देता है ये मैप का लोगो, इस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये आपका जो लोकेशन है ये दिखा रहा है कि आप कहाँ हैं, यानी मैं अभी कुवैत में हूँ तो ये कुवैत का कंट्री दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए आप इसको यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको बस इस पर जब पहली बार आएंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। बात रही इसको इससे फ़ायदे क्या हैं, तो जैसा मैं शुरू में ही बताया कि आप इस ऐप का यूज़ करके किसी भी वेबसाइट, जैसे 80+ वेबसाइट है जो इंडिया में बैन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं प्राइवेटली सिक्योरली, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका सर्वर कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा, आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, जिस कंट्री से आप कनेक्ट करेंगे उस कंट्री का आपका सर्वर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने ये कनेक्ट है, यहाँ पर देखते हैं हम कनेक्ट है कि नहीं है, देखिए कनेक्ट है। हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ पर अगर हम सर्च करेंगे वेयर इन मी, यानी मैं कहाँ हूँ, मेरा सर्वर कहाँ है, यहीं से मालूम चलेगा। हम यहाँ पर क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा है मैड्रिड स्पेन, ठीक है ना, जो हमारा सर्वर है। क्योंकि मैं अभी कुवैत में हूँ तो लेकिन मुझे ये कहीं और कंट्री में दिखा रहा है क्योंकि मैं ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आप इस ऐप का यूज़ करके किसी भी ऐप को जो इंडिया में नहीं चलता है या फिर बैन है या फिर इंडिया में आया ही नहीं है, उन सभी ऐप को, उन सभी वेबसाइट को आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, वो भी प्राइवेटली। बाकी अगर आपको ये ऐप अच्छी लगी है तो कमेंट से ज़रूर बताइए कि ऐप कैसा है और जिस काम के लिए ऐप बनाया गया वो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप बहुत ही आसानी से इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं।